हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सूट में साथ में जो चाक होते हैं उसमें गुम पाइपिंग लगाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सूट को पहले से ही तैयार कर लिया है इस तरह से। तो पहले हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जो नीचे की तरफ की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 21 इंच। तो 21 इंच पर हमें निशान लगाना है। देखिए आप लोग देख सकते हैं हमने 21 इंच पर निशान लगाया है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग है वहाँ तक सीधी लाइन खींचेंगे। और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से चाक में पाइपिंग लगाई है। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें एक सीधी लाइन खींच देनी है। जहाँ तक हमारी फिटिंग है वहीं से हम लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो हमने इस तरफ भी निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और दूसरी तरफ भी हमें निशान लगा लेने हैं। इससे हमारे दोनों पल्ले में एक बराबर निशान लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम दोबारा से निशान लगा लेंगे, इससे हमारा जो निशान है वो अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है, अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें पल्ले को सीधा रखना है और यहाँ पर मैंने रेड कलर की पट्टी ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच है। तो पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इस पट्टी को निशान के ऊपर रखना है। जो हमारी पट्टी की बंद साइड है वो हमें डेढ़े हाथ की तरफ रखनी है इस तरह से, और 2 पॉइंट छोड़ के ही हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग है वहीं तक हम इस पट्टी को सिलेंगे। सिलाई को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे और बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे जितना हमारा मार्जिन है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फोल्ड करके भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें सिलाई बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से चाक में पाइपिंग को बना लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी पाइपिंग को लगा लेते हैं। तो पल्ले को हमें यहाँ पर सीधा रखना है और इसके ऊपर हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे। अब की बार हम पट्टी की जो बंद साइड है वो हम सीधे हाथ की तरफ रखेंगे इस तरह से, और जो हमारा निशान है उसी के ऊपर हम इस तरह से पट्टी को रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग है वहीं तक हम इस तरह से पट्टी को सिलेंगे और बची हुई पट्टी की हमें कटिंग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है
उसको फोल्ड करके सिलेंगे, तो बिल्कुल किनारे पर ही हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड कर देंगे और बड़ी सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो आपको यहाँ पर छोटी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से साइड में जो चाक है इसमें पाइपिंग को लगा लिया है। देखिए इस तरह से, सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी साइड में पाइपिंग को लगाया है। देखिए इस तरह से, और जो नीचे की तरफ हमारा मार्जिन है तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है दोनों पल्ले में। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने साइड में जो पाइपिंग होती है वो लगाना आप लोगों को सिखाया है बहुत ही आसान तरीके से, देखिए इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं विनती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।